अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रसमलाई। चलिए आइए देखते हैं। मैंने दूध लिया है, अब हम छेना तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून लेमन वाटर ऐड करें। लेमन वाटर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। अब हमारा दूध फटना शुरू हो चुका है। हमारा दूध पूरी तरह से फट चुका है। इसमें हम कोल्ड वाटर ऐड करेंगे। अब हमें इसे छान लेना है। छेना को एक क्लॉथ रखें, और जो छेना तैयार किया था उसमें इसमें छान लेंगे। अब हम इसका पूरा पानी निकालेंगे। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। हाथ से अच्छे से इसको, अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, फूड कलर, और अच्छे से भी मिला लें। इसको 20 मिनट्स तक अच्छे से मैश करते रहना है। हम अब इसे बॉल्स बना लेंगे रसमलाई के। आपको इसी तरह रसमलाई के बॉल्स बनाना है। मैंने रसमलाई के सारे बॉल्स तैयार होकर लिए हैं। हम शक्कर की चाशनी बनाएंगे। 2 ग्लास वाटर ऐड करें। वन कप शुगर, और 15 मिनट तक अच्छे से पकने दें इसे। शक्कर की चाशनी तैयार हो गई है। इसके अंदर हम रसमलाई के बॉल्स ऐड करेंगे। फिफ्टीन मिनट तक हाई फ्लेम पे पकने रखें। हमें इसे पलटाना है दूसरी साइड पकने के लिए। हमारे रसमलाई के बॉल्स तैयार हो गए हैं, सॉफ्ट। अब हम रबड़ी तैयार करेंगे। रबड़ी तैयार करने के लिए हमें दूध गर्म होना है। इसको अच्छे से औंटने दो दूध। मैंने दूध को 15 मिनट्स अच्छे से पकने के लिए रख दिया था। इलायची पाउडर, थोड़ा सा फूड कलर, अच्छे से मिक्स करें। हमारा दूध का कलर चेंज हो गया है। इसको अच्छे से हिलाते रहें। इसको 20 मिनट तक पकने रखना है। 20 मिनट्स पकने के बाद अब दूध गाढ़ा हो गया है। वन कप मिल्क मेड, इसे और भी टेस्ट आएगा रबड़ी में। इसे कंटिन्यूस हिलाते रहें ताकि नीचे ना चिपके। इसमें हाफ कप शुगर ऐड करें अपने टेस्ट के हिसाब से। ज़ाफ़रान ऐड करें।
इसे टेस्ट और अच्छी सी स्मेल आएगी। 2 मिनट तक हिलाते रहें। टू मिनट्स पकने के बाद हम इसे पिस्ता ऐड करेंगे। अब हमारी रबड़ी तैयार हो चुकी है। रसमलाई के बॉल्स को हम चाशनी में से निकाल लेंगे। जो हमने रबड़ी बनाया था इसमें ऐड करें। थोड़ा सा ज़ाफ़रान, हमारी रसमलाई रेडी हो गई है। आप इसे सर्व कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट बनी है, टेस्ट भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।